Hello students today we will discuss our chapter Formatting slides in PowerPoint. In our previous video of formatting slides in PowerPoint we have discussed many points. The points are creating a new presentation. Uh, in that we have discussed two points blank presentation and built-in templates installed themes components of PowerPoint 2010 screen inserting text in a slide editing text aligning text and text direction and aligning text today we will discuss our next points in this video our next point is inserting slides so how to insert slide we will discuss in this video वी कैन इंसर्ट न्यू स्लाइड्स इन अ प्रजेंटेशन टू एड मोर कंटेंट हम अपनी स्लाइड में और न्यू स्लाइड्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि हम और ज़्यादा कॉन्टेंट अगर हमें ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकें इसके लिए आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन रिबन में से आप होम टैब पर क्लिक कीजिए सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन फिर आप न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड थर्ड स्टेप चूज़ एंड क्लिक ऑन अ लेआउट फॉर द स्लाइड के सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे न्यू स्लाइड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी अपना ले आउट चूज़ करना है स्लाइड का आप उसको सेलेक्ट कीजिए दिस इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद द सेलेक्टेड ले जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो उसके साथ ये आपकी न्यू स्लाइड उस ले आउट के साथ इंसर्ट हो जाएगी नेक्स्ट है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड अब आपको ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हैं स्लाइड में तो उसके लिए क्या क्या करेंगे व्हेन वी इंसर्ट अ न्यू कंटेंट स्लाइड इट गेट्स इंसर्टेड विथ सिक्स आइकन्स ऑन इट जब भी हम कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो न्यू कंटेंट में उसमें सिक्स आइकन्स होते हैं वी कैन सिम्पली क्लिक ऑन दीज आइकन्स एंड इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड हम इन सिक्स आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं देखिए ये आइकन कौन कौन से होते हैं फर्स्ट है आपका इंसर्ट टेबल इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल क्लिप आर्ट इंसर्ट चार्ट इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एंड इंसर्ट मीडिया क्लिप आपको अगर टेबल इंसर्ट करनी है पिक्चर कोई इंसर्ट करनी है अपनी फाइल में से क्लिप आर्ट या कोई चार्ट या कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक या फिर कोई मीडिया क्लिप तो आप इन सिक्स आइकन्स पर क्लिक करके उसको अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं लेटस लर्न टू यूज़ देम अब देखते हैं कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इंसर्टिंग पिक्चर वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इन अ स्लाइड टू मेक इट मॉर इन्फॉर्मेटिव हम अपनी स्लाइड में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाए अगर कोई भी मतलब उस ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसकी हेल्प करेगा कि वो हम उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें उसके लिए आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे फर्स्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन ऑन द स्लाइड आप इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे फाइल आइकन से स्लाइड में से द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा सेकेंड आप करेंगे सेलेक्ट द पिक्चर टू बी इंसर्टेड जो भी आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्लिक ऑन इंसर्ट बटन जैसे ही आप अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे आपको नीचे बटन शो होगा इंसर्ट का आप उस पर क्लिक करेंगे द पिक्चर गेट इंसर्टेड इन द स्लाइड इन प्लेस ऑफ द प्लेस होल्डर जो आपका प्लेस होल्डर था उसकी प्लेस पर आपकी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी फिर है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट अगर आपको क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना है तो वो कैसे करें वी कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट इमेजेस इन अ स्लाइड टू मेक द कंटेंट लुक अट्रैक्टिव हम क्लिप आर्ट इमेजेस को स्लाइड में इसलिए इंसर्ट करते हैं जिससे कि जो हमारा कंटेंट है वो और एट्रेक्टिव लग सके इसके लिए स्टेप्स हैं इन अ स्लाइड क्लिक ऑन क्लिप आर्ट आइकन द क्लिप आर्ट पेन ओपन आप क्लिप आर्ट आइकन पर क्लिक कीजिए तो आपका क्लिप आर्ट पेन ओपन हो जाएगा उसके बाद सेकेंड स्टेप इन द सर्च फॉर बॉक्स टाइप ऑफ वर्ड फॉर विच यू वॉन्ट टू सर्च क्लिप आर्ट आपको एक सर्च बॉक्स ओपन होगा उसमें आप उस वर्ड को टाइप कीजिए जिससे रिलेटेड आपको क्लिप आर्ट चाहिए एंड क्लिक ऑन गो बटन और आप गो बटन पर क्लिक कर दीजिए अ गैलरी ऑफ क्लिप आर्ट इमेज डिस्प्लेड आपको गैलरी शो होने लगेगी जो भी आपने रिलेटेड इमेज डाली है उससे रिलेटेड इमेज़ की क्लिप आर्ट गैलरी आपको शो होने लगेगी स्क्रॉल द गैलरी ऑफ क्लिप आर्ट इमेज आप उस क्लिप आर्ट इमेज़ की गैलरी को स्क्रॉल कीजिए एंड क्लिक ऑन द इमेज यू वॉन्ट टू यूज और जिस भी इमेज को आपको यूज़ करना है आप उस पर क्लिक कीजिए आ मैन्यू अपीयर्स एक मैन्यू आपको अपीयर हो जाएगा फिर आप उसके बाद उसमें करेंगे क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे द सेलेक्ट इमेज इज इंसर्टेड इन द स्लाइड जो आपकी सेलेक्टेड इमेज होगी वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी स्लाइड के अंदर नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग वर्ड आर्ट इफ़ आपको वर्ड आर्ट की हेल्प से अपना कोई भी टेक्स्ट लिखना है स्लाइड के अंदर तो आप वर्ड आर्ट की हेल्प से उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं वर्ड आर्ट क्या वर्क करता है वर्ड आर्ट इज यूज टू इंसर्ट एट्रेक्टिव टेक्स्ट इन अ स्लाइड आपके टेक्स्ट को एट्रेक्टिव बना देता है तो इफ़ आपको एट्रेक्टिव टैक्स लिखना है अपनी स्लाइड के अंदर तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन आप इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए रिबन में से क्लिक ऑन वर्ड आर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप अ गैलरी अपीयर्स विद डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स। वर्ड आर्ट को आप टेक्स्ट ग्रुप में से सेलेक्ट कीजिए उसके बाद एक गैलरी ओपन हो जाएगी जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के वर्ड आर्ट स्टाइल्स होंगे सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ़ योर चॉइस आ, आपका जो भी स्टाइल है आप जो भी स्टाइल चूज करना चाहते हैं आप उसको चूज कीजिए अ वर्ल्ड आर टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स एक वर्ल्ड आर टेक्स्ट बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा आपकी स्लाइड पर विद योर टेक्स्ट हेयर उस पर लिखा हुआ होगा योर टेक्स्ट हेयर वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए स्टेप फोर आपको करना है रिप्लेस द टैक्स विद योर टैक्स एंड क्लिक आउटसाइड द टैक्स बॉक्स जहाँ पर योर टैक्स हेयर लिखा होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने टैक्स से जो भी आपको टैक्स चाहिए एंड आप उसके बाद आउटसाइड द टेक्स बॉक्स क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने सेलेक्ट किया था वर्ड आर्ट का फॉर्मेट उसी वे में उसी अट्रैक्टिव वे में आपका जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपको शो होने लगेगा नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग शेप्स इफ आपको शेप्स इंसर्ट करनी है तो वो किस तरह से करें द शेप्स कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट रेडीमेड ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ स्लाइड शेप्स कमांड क्या करता है रेडीमेड ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं उसमें शेप कमांड वाले फीचर में जो कि आप उसके हेल्प से अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं देयर आर एट कैटेगरीज ऑफ शेप्स एट कैटेगरीज होती हैं इसमें शेप्स की द स्टेप्स टू इंसर्ट अ शेप द स्लाइड्स आर स्टेप्स क्या क्या होंगे शेप को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड में वो आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट ऐप ऑन द रिबन आप इंसर्ट ऐप पर क्लिक कीजिए रिबन के क्लिक ऑन शेप्स इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप आप इलस्ट्रेशन ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए क्लिक चूज अ शेप फ्रॉम गैलरी एंड क्लिक ऑन इट आप अपनी शेप को चूज़ कीजिए गैलरी में से एंड क्लिक कर दीजिए फोर्थ स्टेप ड्रैग इन द स्लाइड टू ड्रॉ द शेप फिर आप अपने माउस को ड्रैग कीजिए स्लाइड में जिससे कि आपकी शेप जो भी आपने सेलेक्ट की है वो आपकी ड्रॉ हो जाए नेक्स्ट है आपका नेविगेटिंग द स्लाइड नेविगेटिंग द स्लाइड का मीन्स क्या होता है कि आपको स्लाइड टू स्लाइड कोई भी एडिटिंग करनी है अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू तो आप कर सकते हैं टू नेविगेट फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड वाइल एडिटिंग आ प्रेजेंटेशन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहे होंगे तो आप स्लाइड टू स्लाइड मूव कर सकते हैं फर्स्ट है इसका पेज अप पेज अप की से क्या होता है पेज अप की टू मूव टू द प्रीवियस स्लाइड जैसे ही आप पेज अप की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस स्लाइड होगी उस पर आप चले जाएंगे नेक्स्ट है पेज डाउन पेज डाउन की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी उससे पेज डाउन की हेल्प से आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे फिर है आपकी कंट्रोल प्लस होम कंट्रोल प्लस होम की टू मूव टू द फर्स्ट स्लाइड जैसे ही आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट स्लाइड बनी हुई होगी आप उस पर पहुंच जाएंगे कंट्रोल प्लस एंड की टू मूव टू द लास्ट स्लाइड कंट्रोल प्लस एंड की करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड होगी आप उस पर पहुंच जाएंगे तो ये आपकी नेविगेशन की थी आप इनकी हेल्प से अपनी स्लाइड में मूव कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड द कम्प्लीट चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे